पांडे कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जीरो फर्टिलिटी सेंटर रायपुर से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ओवेरियन सिस्ट पे, जिसे कहते हैं अंडाशय में पानी का गठन। विभिन्न प्रकार के ओवेरियन सिस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि सिंपल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस लुटियल सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट जिसे कि हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, या फिर कई सारे ओवेरियन ट्यूमर्स भी सिस्ट के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो क्या होते हैं, आइए देखते हैं एक एक सिस्ट को डिटेल में। पहला होता है सिंपल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट। जब भी अंडाशय में अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो अंडाणु है वो अंडाशय में पानी के बुलबुले के अंदर होता है। धीरे धीरे पानी का बुलबुला साइज में बड़ा होता है, जिसे कि हम फॉलिकल कहते हैं, और जब ये 18 से 20 मीटर का पहुंच जाता है, तो इसमें से अंडा रिलीज हो जाता है। अगर ये अंडा रिलीज नहीं हो पाता है, तो ये अपनी साइज में बड़ा होते जाता है और एक समय के बाद ये पानी के गठान का आकार ले लेता है। इसे हम सिंपल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं, या ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल भी बोल सकते हैं। ये सिस्ट जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है। कभी कभी रूटीन सोनोग्राफी में ये एज ए इंसिडेंटल फाइंडिंग हमें मिलता है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर ये सिस्ट छोटा है, 4-5 सेंटीमीटर या उससे छोटे साइज का है, तो इसे हम हार्मोनल पिल्स या दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर ये सिस्ट साइज में बहुत बड़ा है, 8-10 सेंटीमीटर साइज का है, तो इसे दूरबीन पद्धति द्वारा, जैसे कि हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं इसे, या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा भी इसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपन कॉर्पस लुटियल सिस्ट पे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अंडाशय में अंडाणु पानी के बुलबुले के अंदर रहता है। धीरे धीरे ये बुलबुला, जैसे ये 18-20 मिलीमीटर साइज का पहुंच जाता है, तो अंडाणु इसमें से रिलीज होता है। इस दौरान जब बुलबुला फूटता है, उसमें रक्त का जमाव होने लगता है और कॉर्पस लुटियल सिस्ट की उत्पत्ति होती है। कॉर्पस लुटियल सिस्ट अधिकतर समय अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता और साइज में बढ़ता जाता है, तो एक सिस्ट का आकार ले लेता है, जिसे कि हम कॉर्पस लुटियल सिस्ट कहते हैं। इसका इलाज हम हार्मोनल पिल्स के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं अपन हेमरेजिक सिस्ट पे। हेमरेजिक सिस्ट का मतलब है, अगर कॉर्पस लुटियम के अंदर जरूरत से ज्यादा रक्त का स्राव हो जाए, तो इसमें खून इकट्ठा होता जाता है और ये बड़ा आकार लेते हुए हेमरेजिक सिस्ट की उत्पत्ति होती है। अब छोटे हेमरेजिक सिस्ट, जैसे कि 2-3 मिलीमीटर के सिस्ट, को हम दवाइयों या हार्मोनल पिल्स से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिस्ट का आकार बहुत बड़ा है, तो इसे दूरबीन पद्धति, जैसे कि लैप्रोस्कोपी कहते हैं, उससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जैसे कि हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। तो कैसे बनता है ये चॉकलेट सिस्ट? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महावारी के दौरान गर्भाशय की जो अंदर वाली परत है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये रक्त के स्राव के साथ झड़ जाती है। ये एक मंथली प्रोसीजर है। इस गर्भाशय की जो अंदर वाली परत है, एंडोमेट्रियम, ये गर्भाशय के अलावा भी अगर अंडाशय में या किसी दूसरी जगह मौजूद हो, तो भी वहाँ से भी महावारी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। तो गर्भाशय की जो अंदर वाली परत है, जो महावारी के दौरान बाहर आ जाती है, लेकिन अंडाशय में वही जगहों पे ब्लीडिंग होने की वजह से लंबे समय तक ब्लीडिंग होते होते वहाँ सिस्ट की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें चॉकलेट कलर का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ऐसे मरीजों को क्या समस्या हो सकती है? ऐसे मरीजों को महामारी के दौरान अत्यधिक दर्द होना, या संबंध बनाते टाइम दर्द होना, या फिर संतानहीनता की समस्या हो सकती है। इसके इलाज के लिए हमें यह जानना सबसे जरूरी है कि पेशेंट के क्या प्रेफरेंसेस हैं। क्या उसका प्रेफरेंस है पहले प्रेगनेंसी लेना, या क्या वो प्रेफर कर रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस को ड्रेन करना, क्योंकि उसे महावारी के टाइम बहुत दर्द होता है। अगर पेशेंट अनमैरिड है और उन्हें प्रेगनेंसी, या फिर उन्हें प्रेगनेंसी अभी फिलहाल नहीं प्लान करना है, तो हम दूरबीन पद्धति से एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को ड्रेन कर सकते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा, दवाइयों के द्वारा इस सिस्ट को बनने से रोक सकते हैं टेम्पररीली। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए या संतानहीनता के लिए इलाज करवाना है, उस केस में हम दूरबीन पद्धति से चॉकलेट सिस्ट को ड्रेन करके उसके बाद IUI या टेस्टिकुलर पद्धति से प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हैं। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है, जहाँ पे रेगुलरली महामारी के टाइम ब्लीडिंग होती है, उन जगहों का इनएक्टिव होना या सूख जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनमें ओवेरियन सिस्ट होता है, ओवेरियन सिस्ट के रूप में ओवेरियन कैंसर की उत्पत्ति होती है, उन मरीजों को कैंसर रोग विशेषज्ञ की निगरानी में